अस्सलाम वालेकुम हवातीन और उनके हजरात, आपको वेलकम करते हैं एक नए व्लॉग में। अब आप बताएं यार, आपको पता होगा हमेशा मैं यूसीपी में और यहाँ का माहौल कैसे, उनको कैसे पता होगा पहले मुझे इस यूसीपी इसको पता होगा, बाकी को हम बता देते हैं। हाँ जी ठीक है। और यार अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क, भूख लग रही है। सुबह का नाश्ता भी हमने किया था लेकिन वह रिकॉर्ड नहीं हम करते, सिचुएशन नहीं बनी। तो खैर अभी चलते हैं, आपको मिलते हैं वाटर पार्क। सामने निकलते हैं भैया, हमने बहुत बड़ी डील करवाई है, 850 की है जिसमें तीन पराठे हैं। अब एक चीज़ जो भी है ना वो हम जब ऑर्डर आएगा तो बताएंगे। मैं बोल नहीं मैं बोल रहा हूँ भी है, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक भी है और तीन पराठे हैं। और क्या होता है? तीन पराठे, कोल्ड ड्रिंक और बाकी उनकी मतलब सॉस वगैरह होती है, डिप्स जिनको कहते हैं। डील में आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। वैसे एक पराठा 350 का है ठीक है, और डील में आपको 800 वैसे ही बिल बन जाएगा और डील में, लेकिन फ्लेवर उनकी मर्जी के हैं तो फ्लेवर उनकी मर्जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, ये तो आप खा के पता चलेगा। ये पिज्ज़ा पराठा है, क्या बात है, क्या बात है, पूरी गर्म और चीज़। ये पिज्ज़ा पराठा माय फेवरेट, ये है आलू चीज़। यार यकीन करो मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया, मैं बता नहीं सकता आपको। और चीज़ आप इसको देख सकते हैं कि कैसे बाहर आ रही है, और दो गाड़ियों की ऐसे किधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है, हमें ही देख रही है ऐसा। तो यार अब्दुलरहमान थोड़ा सा शूट कर रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ हमें ये एक मायो टाइप एक सॉस भी मिली है, इसके अंदर ये लगा के आपको मैं बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। बेहतरीन बेहतरीन। ये है आलू चीज़ पराठा ठीक है, इसमें आलू और काफ़ी जो इसका होता है ना वो मिक्सचर भरा हुआ है। और हमें जो साथ मिली ये है डिप, जब इसके साथ आप डिप करते हैं ना वो ऊपर से है बहुत गर्म, ये गर्म नहीं है भाई, वो उसकी वजह से जो हमने रखा हुआ था कैसे वो पराठे के ऊपर पड़ी थी ना, तो उसकी वजह से बहुत आला गर्म है और मिर्ची है नमक बहुत सब है। क्या हम आते हम आने वाले दिनों में मैक्सिमम पराठा खाने का चैलेंज रखते हैं, क्योंकि इनके साथ ये बोतल भी मिली ठीक है, और बोतल आपको खाने को ज़्यादा जल्दी अंदर लेके जाने में हेल्प करती है। आपने देखा काफ़ी कोई चैलेंज में बोतल बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है यार पराठे का, या किसी और चीज़ का हम ना अपनी अगली वीडियो में चैलेंज करते हैं, सोचते हैं किस जगह रख सकते हैं। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो मैंने अपना आलू पराठा लिया, आलू चीज़ पराठा, और यार जो ये डिप है ना इसी के सारे पैसे, यकीन करो ये लगा दो ये टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। तो मैं आलू चीज़ पराठा ट्राई करने लगा, तो आपको बताता हूँ क्या घर का पराठा आलू वाला, फिर उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल और बड़ा ही बेहतरीन, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि मैंने आलू वाला इनका पहले नहीं खाया हुआ तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना मजे का होगा। ये तो खवातीन और उनके हजरात, हमने जो है ना ये तीन पिज़्ज़ा पराठा वाली चीज खा ली है और एक्सपीरियंस अच्छा था। पिज़्ज़ा नहीं थे, तीन पराठा थे, पिज़्ज़ा पराठा, एक पिज़्ज़ा पराठा था, एक आलू पराठा था और एक बारबेक्यू, अब तो मुझे याद हो गया आने से पहले खा ली था। तो यार ये दो बंदों के लिए परफेक्ट है, यानी कि मेरे ख्याल से ये भी कह सकते हैं ओवर ओवर है, हम पैक भी करवा के लाए हैं। हाँ, एक पीस जो है ना हमारा भाई पीस एंड हो गई थी इन दो जवानों की, तो आप समझ लें कि हम कितना फुल हो सकते हैं ठीक है। तो इकोनॉमिकल भी है ठीक है, अगर क्वालिटी देखी जाए और नहायत मज़े का भी है, और ये लाइक पिज़्ज़ा बहुत हैवी नहीं हो जाता क्योंकि फ्लैट ब्रेड है उनका, एक लाइन भी है उनका, तो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड थिंग फ्रॉम अस। यू नो हम कवर स्ट्रीट फूड ही करते हैं, लेकिन हमें कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह मिल जाए तो हम उसको भी ज़रूर आपको बताते हैं।
तो अगर आप एक स्टूडी हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते, क्या कर रहे हो तुम? जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए तुम्हें, तो अभी जाएं, हम इधर ही एमपी नहीं जा रहे, ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। हमें बोला टीवी वाली रूह आ जाती है हमारे में कभी कभार। थोड़ा मिलते हैं आपको किसी अच्छी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।